मैं मिट्टी दे दिया हूँ, ये मेरा प्लांट है, आप देख सकते हैं। कोई कमी हो तो बताएं सर। आपके अब वीडियो देखा, पत्ती तो अभी काटना नहीं है। बहुत अच्छा, पत्ती काटो भी मत। 1000 पौधे का पेड़ी। प्लाट अच्छा है मित्र आपका। प्लाट से सिंचाई करता हूँ। ये देखिए, पहली बार खेती किया था। यही कमी है, मिट्टी में दे दिया हूँ, लेकिन जो मेरा पेड़ था जो काटे थे उसको इसी में दबा दिए थे, लाइन में, इस लाइन में मैं दबा दिया था, यहाँ बीच में दबा के मिट्टी दे दिया था। बहुत बढ़िया, ये रटू ने आपका खड़ा। पौधे में क्या कमी है मित्रों, आप जो देख रहे हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, यह उत्तर प्रदेश से एक मित्र ने मुझे भेजा है। यह इनका सेकंड है, ये साइड का बंच यहाँ पर दिखेगा आपको, छोटा सा सेकंड क्रॉप है। उत्तर प्रदेश में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ले सकते हैं और अच्छी ले सकते हैं। ये मित्र का बंच भी अच्छा है, पत्तों की संख्या अच्छी है। एक गड़बड़ है भैया आपके यहाँ पर, ये जो यहाँ मुझे दिख रहा है, पत्ते अटकते हुए दिख रहे हैं, फंसते हुए दिख रहे हैं। आप क्या फर्टिगेशन दे रहे हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी आज 1 अप्रैल है 2020, आपने इसमें 30 दिन के अंदर, ये लास्ट ही डोज रहेगा शायद, आगे तो आपका फ्लावरिंग आने वाला होगा, आ जाएगा। 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीन चीज़ें लो, इसका डोज बनाओ, और ये 2.5 बैग के लगभग हो रहा है, तो आपको 7.5 बैग मिट्टी या 7.5 बैग गोबर लेना है, उसका मिश्रण बनाना है, उसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र वाला पानी डालना है। 25 लीटर पानी में 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 100 ग्राम सुक्रोज, 1 किलो गुड़, ये मिक्स करके उस डेहरी को भिगोना है, 7 दिन रखना है, कटिंग करना है। जब वो कंप्लीट पक जाए, पानी देते समय पौधों की साइड में नाली के पास बिखरा कर डालना है, नाली में नहीं डालना है, नाली के पास करवट में फर्टिगेशन डालना है, तो और इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बाकी आपकी मेहनत कंप्लीट है, कुछ ज़्यादा विशेष बतलाने को है नहीं, आप सक्सेस फार्मर दिख रहे हैं। क्योंकि मैं अपने फार्म की नौकरी करता हूँ, अपने खेत की नौकरी करता हूँ सर। ओके, काम सब मैं अपने खुद करता हूँ। हाँ, ये कोई कमी हो तो बताएं साहब। हाँ, अभी तक तो अच्छा है भाई, कोई सीगा टोका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है, नीचे काई दिख रही है, नीलपी जैसा दिख रहा है, तो ये पानी इस तरह से होता है तो भोजन अपटेक करने में दिक्कत आती है। दिन में फल आने वाला है। ये जो हरा हरा है ना, ये काई, ये आपके फील्ड में भोजन अपटेक करने में दिक्कत करेगी। ये है पेड़ी का खेत। धन्यवाद भैया, नमस्कार। ब्रदर, आपकी मेहनत बहुत ही गजब की है। मित्रों, जो भी किसान मित्र मुझसे पूछते हैं ना, रटून रटून, ये देख लीजिए, यूपी में भी रटून है। बहुत बढ़िया मित्र, थैंक यू ये दिखाने के लिए किसानों को कि उत्तर भारत में भी रटून हो सकता है।